हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये फ्लावर बन जाता है। ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सब में पहले आपको मिले और मेरे नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। देखिए दोस्तों, आज हम ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग डालेंगे, और उस मैजिक रिंग में हमें 12 डबल क्रोशिया डालनी है। देखिए इस तरीके से, अब इस मैजिक रिंग में हम 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1, 2, 3, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चैन डालेंगे, और ये 3 चैन पकड़कर हमें 11 डबल क्रोशिया डालनी है, तो हमारे 12 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। तीन, चार, पाँच, छः, सात, दस, ग्यारह और ये 12, और ये 12 डबल क्रोशिया बन गए। अब ये धागा हम खींचकर इसे टाइट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इस वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, को हम इस तरीके से ऐड करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3, और इस जगह से हमें 2 डबल क्रोशिया लेनी है। हर एक चेन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया डालनी है इस तरीके से, 1 और 2, और एक चेन लेनी है हम यहाँ पे। फिर से हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे, एक चेन लेंगे। हमें इसी तरीके से ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट राउंड में हमारे 12 डबल क्रोशिया थे, और सेकंड राउंड में हमारे 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 3 चेन लेते हैं, हमें वहीं पे अब
एक डबल क्रोशिया डालना है, तो हमारे ये दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से इसे यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम फिर से हमें इस वाले गैप में हमें जो डबल क्रोशिया के बीचों बीच जो एक चेन डाली थी उस वाले गैप में हमें पफ स्टिच डालना है। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे पफ स्टिच डालेंगे, तो हमें यहाँ पे 7 बार हम ये धागे को अंदर से निकालेंगे। सबको एक साथ मिलाते हुए हमें यहाँ पे जॉइन करना है। अब यहाँ पे हम 4 चेन डालेंगे, 4, और फिर 2 डबल क्रोशिया को छोड़ते हुए हमें जो हमने चेन डाला था उस गैप में हमें फिर से पफ स्टिच डालना है। कंप्लीट कर लेना है, बहुत सिंपल है ये डिजाइन। Thank you.
में हमें 6 डबल क्रोशिया डालते हुए जाना है और ये डिजाइन हमने कंप्लीट कर ले ली है। सब में पहले आपको मिले। थैंक यू।